मैं विनय कुमार सिंह नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का संचालक हूं। आज जो मेरा आगमन हुआ है राजकोट शहर में हुआ है और यहां पे एक छोटा सा गांव मान कह लीजिए हरिपल पर्ल के नाम से यहां पे एक गांव है और यहां पे संस्कृति आर गुरुकुलम के नाम से 2017-18 से एक गुरुकुल की स्थापना हुई। जो ये गुरुकुल की स्थापना सबसे पहले ये बनारस में हुआ था 50 साल पहले, तो ये ब्रांच शाखा वहीं पे थी, फिर पूरी की पूरी शाखा यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो यहाँ के जो आचार्य हैं, जो मेहुल आचार्य जी आज हमारे साथ वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो लाइव हैं और आपको एक एक डिटेल संक्षिप्त में हम बताने की कोशिश करेंगे कि गुरुकुल में अपने बच्चों का दाखिला कैसे कराएं। उनको अगर गुरुकुल में दाखिला कराते हैं तो माता पिता इस गुरुकुल से क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चों में क्या बदलाव आएगा। तो भारत की सभ्यता संस्कृति वेदों किताबों के बारे में भी यहाँ पे बहुत जानकारी दी जाती है, मतलब डिटेल में हर चीज पे ध्यान दिया जाता है बच्चे के। तो आज मैं अपने चैनल जय गो माता जय गोपाल 1983 में मेहुल आचार्य जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। नमस्ते और भाई, जो उन्होंने मेरे लिए समय निकाला है मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको। और मैं यही जानना चाहता हूँ इस गुरुकुल की जब स्थापना हुई और उनका जो यहाँ पे वो संचालक के रूप में काम कर रहे हैं कार्यरत हैं, इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। नमस्ते, मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम। आपको ज्ञात ही है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ये वर्षों से नहीं सदियों से, अपितु ऐसा कहे कि बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। जी जी जी। तो ये शिक्षण जो ऋषि मुनियों ने ड्राफ्ट किया है, उन्होंने अपने जीवन के सत्यों के अनुभव के आधार पर ये शिक्षण की नींव रखी है, तो वो शिक्षण होता है गुरुकुल शिक्षा। अब इसमें माहिती तो है, इन्फॉर्मेशन है जगत के साथ साथ, मतलब हम कैसे सस्टेन हो पाएंगे वो तो है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर अपने आत्मा का विकास कैसे करेंगे, स्वराष्ट्र की नींव कैसे रखेंगे, हम अच्छे प्रामाणिक इंसान कैसे बनेंगे, वो यहाँ पर मुख्य होता है। तो इस तरह की एक शिक्षा व्यवस्था जो पूर्ण मनुष्य बनाती है, मानो मॉडर्न शिक्षा में डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, आईटी फील्ड में कोई अच्छे एक्सपर्ट बनाते हैं, लेकिन मनुष्य उसको बनना है तो उसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था है। और वो तभी तक उसका सबका हमको लाभ है जब वो मनुष्य बनेगा। मनुष्य नहीं बनेगा तो वो लाभ नहीं, घातक है। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने आतंकवादी है वो सब पढ़े लिखे है, जो जगत को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं वो सब पढ़े लिखे लोग है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? अनपढ़ नहीं करता है, पढ़े लिखे लोग करते, बराबर है। आज पशु पक्षी को कौन ज्यादा नुकसान करता है? पढ़े लिखे लोग है। क्यों? तो ये पढ़े लिखे लोग मनुष्य नहीं बन पा रहे, तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो कॉन्वेंट स्कूलों से हुई है, जो हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। और ये सब आप लोगों को इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार किसी गुरुकुल में मेरा आगमन हुआ है, जिससे कि आप लोगों को ये हमेशा याद रहे कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य है और कि आयुर्वेद पद्धति अपनाएं, शिक्षा पद्धति गुरुकुल की होनी चाहिए और स्वदेशी चीजों को अपनाएं, जैविक उत्पादों का खान पान में अपना ग्रहण करें, तो इससे भारत देश सशक्त होगा, मजबूत होगा, युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। जब शरीर ही खोखला होगा तो दिमाग भी विकसित नहीं हो पाता। तो आज मैं बहुत ज्यादा अपने आप में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब आचार्य जी ने मुझे आज समय दिया है तो मुझे ये लगता है कि आज उन सवालों का जितनी भी माताएं बहनें घर में बैठी हैं या जो पुरुष लोग हैं पिता बन के बैठे हैं, उनके लिए ये जो चैनल का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे के भविष्य को बचा लीजिए, अभी भी समय बिगड़ा नहीं है, वो समय अभी भी थोड़ा सा बचा है आपके हाथों में है, उस मौके को गंवाने से अच्छा है कि आप किसी गुरुकुल में अपने बच्चे का दाखिला कराएं। जैसा कि मेरे साथ बहुत ऐसे परिवार के लोग जुड़े हैं कि मुझसे पूछते हैं कि कौन से गुरुकुल में दाखिला कराएं, आपका भ्रमण बहुत ज्यादा है विनय जी, तो हमें मार्गदर्शन करिए। तो मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूं, लेकिन जो आचार्य जी हमारे साथ बैठे हैं वो बहुत बड़े ऊंचे स्तर पे गुरुकुल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और ऐसे लोगों को मैं सत सत नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं उनके साथ में यहाँ बैठा हूँ तो मैं कुछ यहाँ से सीख के ही जाऊंगा और चैनल के माध्यम से आप लोगों को घर बैठे गुरुकुल के बारे में हर जानकारी प्राप्त करवाऊंगा।
दूसरा सवाल जो मेरा है, गुरुकुल में मैं मेरा आगमन हो चुका है, तो दूसरा सवाल मेरा यही है कि उदाहरण के तौर पे मेरा ये सवाल होगा कि जैसे मान लीजिए मैं किसी पुत्र का पिता हूँ और मैं चाहता हूँ कि संस्कृति आर गुरुकुल राजकोट गुजरात में है और मैं यहाँ दाखिला करवाना चाहता हूँ, ये मेरे मन की एक इच्छा है, तो मैं यहाँ पे इस गुरुकुल में आता हूँ और यहाँ पे अभी जैसे मेरे साथ आचार्य जी हैं, जिससे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने पुत्र की दाखिला करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे बच्चे की उम्र कितनी कम से कम होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए और उसका दाखिला कराने का प्रोसीजर क्या है आपके गुरुकुल में? जी, अब गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में जो नियम है वो ये है कि पहले वो स्वावलंबी बनकर घर पे जो सीखना है वो घर पर सीख कर आए ताकि हम उसके ऊपर और काम कर सके, उसको अच्छे विषय की शिक्षा दी जाए। ऐसे 10 विषयों की हम शिक्षा देते हैं यहाँ पर, उसमें संस्कृत है, उसमें अर्थशास्त्र है, उसमें आयुर्वेद है, पंचगव्य है, साथ में हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र है, बराबर है। तो ऐसे 10 विषयों की अलग अलग शिक्षा देते हैं। अब उसकी उम्र क्या है, मिनिमम 8 साल और मैक्सिमम 12 साल तक प्रवेश है, एंट्री एज है। आप समझ गए, एंट्री करने के लिए योग्य एज है। तो कहने का मतलब है कि अगर 8 साल से कम के हैं तो एंट्री नहीं होगी गुरुकुल में, दाखिला नहीं होगी, और अगर 12 साल से ज्यादा हो गया है बच्चे की उम्र तो भी नहीं हो पाएगी। ऐसा देखिए, हमारे यहाँ ऐसा है कि मनुष्य के लिए नियम है, नियम के लिए मनुष्य नहीं है, तो कुछ उसमें अपवाद हो सकते हैं। जैसे कोई बहुत ही होनहार लड़का है, कोई अच्छा गुरुकुल में पढ़ा है लेकिन उसको कुछ तकलीफें हैं, तो हम एकाध साल ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 8 साल से पहले नहीं लेते हैं, क्योंकि वो स्वावलंबन में तकलीफ होती है उसको, खुद के कपड़े धोने यहाँ होते हैं, खुद से ही सब कुछ करना होता है, तो वो स्वावलंबी जब बन जाए तब वो लेते हैं। हाँ, 8 साल के बच्चे को लेते ही ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो 8 साल की उम्र के अनुसार उसका स्वावलंबन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से 1 साल के लिए भेजते हैं, हमारा 1 साल का पूरा कोर्स होता है, वो घर पे करना होता है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि 8 साल और 12 साल के बीच में बच्चे की आयु होनी चाहिए। और इसमें एक छोटा सा सवाल मैं, ये मेरा यही है कि ये उम्र का जो रेशियो तय किया गया है कि 8 साल और 12 साल का, ये ऐसा क्यों किया गया है? ये इसके पहले भी हो सकता है, 8 साल के पहले भी हो सकता है, 12 साल के बाद भी हो सकता है, ये 8 से 12 के बीच का जो रेशियो बताया है अभी आचार्य जी ने, इसके पीछे मैं कारण जानना चाहता हूँ। इसके पीछे देखिए कारण बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक कारण है जी। हमारा बच्चों का अंडमय कोष का विकास 0 से 5 साल तक होता है जी। 5 साल तक उसको मिनिमम माता का सानिध्य चाहिए। अब 6ठा साल हुआ तब से वो प्रैक्टिस करता है स्वावलंबन की, तो प्रैक्टिस करते करते 1 साल में वो सब कुछ नहीं सीख जाता है, जैसे अपने कपड़े को धोना, अपने कपड़े को गड़ी करके रखना, अपने जगह की साफ सफाई रखना, बराबर है, अपने शरीर का खुद ध्यान रखना, तो ये उसको ट्रेनिंग माता पिता 2-3 साल देंगे तब वो तैयार हो पाएगा। तो 8 साल पर जो माता पिता को कार्य करना चाहिए फंडामेंटल का, वो कार्य वो कर देंगे, उसके ऊपर हम जो कार्य करना है वो कर सकेंगे। यदि वो कार्य वो नहीं करते हैं तो वो कार्य भी हमको करना पड़ेगा, तो हम हमारा कार्य नहीं कर पाएंगे। अब समझ गए ना जी, मैं समझ गया। बहुत सारे माता पिता पूछते कि ये सब यदि हम कर दे तो आप क्या करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे थे आप घर पे दर्शन शास्त्र पढ़ा कर भेजो, संस्कृत पढ़ा कर भेजो, वेद पढ़ा कर भेजो, ऐसे नहीं कहते, क्योंकि वो हमको पता है कि ये तो आप नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन आप कपड़े धोना तो उसको सिखा सकते हो, आप उसको पोछा मारना तो सिखा सकते हो, झाड़ू रखना तो सिखा सकते हो, साफ सफाई तो सिखा सकते हो, कैसे भोजन करना हो तो सिखा सकते हो, क्या खाना क्या नहीं खाना हो थोड़ा बहुत सिखा सकते हो, और नहीं सिखा सकते तो हमारे वीडियो है YouTube पर, हमारा वैदिक पेरेंटिंग का पूरा कोर्स है, वो करके आप सिखाइए उनको, तो क्या होगा कि जगत के सबसे बड़े यदि इकोनॉमिस्ट को, अर्थशास्त्री को आप बुलाते हैं, बराबर है, और वो बच्चे को ज्ञान देने के लिए आता है, और वो जब उसको पता चलता है कि इसको तो ये पता नहीं है कि रुपया क्या होता है, डॉलर क्या होता है, तो फिर वो क्या दे पाएगा उसको, नहीं दे पाएगा ना। जब हमने ये सब समझा दिया उसके बाद उसका रोल आता है, बराबर है। तो इसी तरह से आचार्य का रोल कब आता है, जब माता और पिता अपना रोल अच्छी तरह से प्ले कर लेते हैं, तब आचार्य अपने रोल पर आते हैं, और तब हम जाकर एक चंद्रगुप्त को, एक कोई श्री राम को, एक श्री कृष्ण को, एक कोई अच्छे व्यक्ति को हम बना पाते हैं, हम निर्माण कर पाते हैं। तब तक वो नहीं होगा जब तक माता पिता अपनी तरफ से तैयारी नहीं करेंगे। तो 8 से 12 साल की एंट्री है, उसके बाद हमारा 7 साल का कोर्स है, 7 साल के बाद हम NIOS करके एक बोर्ड है,
NIOS आप गूगल पर देख सकते हैं, वो पूरा फुल फॉर्म उसका NIOS का भी बता देना। NIOS बोर्ड का ऐसा होता है कि जो ओपन स्कूलिंग जो है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बराबर है, मतलब NIOS बोर्ड जो है उसकी पूरी की पूरी जानकारी गूगल पर है ऐसे तो जी। लेकिन आप सरलता से समझे तो एक ओपन बोर्ड गठित किया गया है, जो लोग घर पे पढ़ते हैं, होम स्कूलिंग करते हैं या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, उनके लिए अलग तरीके से वो सीधी टेंथ देकर भी अपने आप को इस धारा में जा सकते हैं, अपने आप को ले जा सकते हैं। तो इसके लिए उन दोनों काम हो जाएगा, यहाँ पढ़ेंगे तो जीवन का शिक्षण उसको 7 साल बहुमूल्य मिलेगा। तो ये 12 से 7 साल अगर करें तो 19-18 साल का वो बच्चा की उम्र हो जाएगी। नहीं, वो 12 में आए तब, जब वो 8 पे आता है, आप ऐसा ही मानिए कि इधर 8 पर आना है। हाँ, तो 8 में और 7 में जोड़ लगाते हैं तो 15 साल में वो बच्चा 15 साल में वो तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। अब जनरल आप देखेंगे तो 15 साल में वो वहां 10th तक ही पहुंच पाता है जी। अब जनरल बराबर है, 10th पर पहुंचने के बाद भी उसको संस्कृत नहीं आता है, उसको आयुर्वेद का कुछ पता नहीं होता है जी, उसको संगीत नहीं आता है बराबर, इंग्लिश भी यदि बहुत कुछ थोड़ी बहुत आती है जनरल हम बात करें तो बराबर है, तो ये तो बहुत सामान्य स्तर का ज्ञान होता है बराबर है। अब यहाँ पर क्या है कि उसको अच्छा से अच्छा संस्कृत आ जाता है, उसको स्पीच आ जाती है अच्छी, मतलब वक्तृत्व कला जिसको कहते हैं, फिर यहाँ से अलग अलग उद्योगों की ट्रेनिंग दी जाती है, 40 प्रकार की वस्तु बनाना इधर सिखाते हैं, गोबर की प्रोडक्ट बनाना हम सिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं गोबर की प्रोडक्ट यहाँ पर पूरी है, पीछे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ सेल्फ में गोबर की कलाकृतियां को लगाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं। तो इसे 30-40 जो अभी मेहुल आचार्य जी ने बताया है कि इन चीजों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, तो इसके साथ क्या होता है कि व्यक्ति सक्षम होता है, स्वावलंबी होता है, ये शिक्षा के बदौलत बराबर है जी। तो आज की शिक्षा में जो कमियां है वो सबसे बड़ी कमी तो ये है कि शिक्षा के साथ का साथ साथ कोई भी उद्योग या रोजगार नहीं जुड़ा है, वो शिक्षा पूरी होने के बाद वो खुद को ढूंढना होता है। ये बिल्कुल इस बात से मैं 100% मैं सहमत हूँ बराबर है। अब जब आपको MBA करवा देते हैं तो आपको ये एश्योर नहीं करते कि आप MBA करने के बाद भाई आपका ये रोजगार यहाँ होगा, ऐसा नहीं, वो आपको ढूंढना है बराबर है। आपके केवल एक डिग्री दे देते हैं, उसके बाद का सब आपको काम करना है बराबर है। तो इसके कारण आज बेरोजगारी है बराबर है, आज इतने बड़े स्तर पर बेरोजगारी है, बाकी की समस्याएं है। दूसरा, वो आपको कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देते बराबर है। हम यहाँ उद्योग प्रैक्टिकल सिखाते हैं, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सीखकर वो खुद का भी कर सकता है, कहीं कंपनी के साथ ज्वाइन होकर कर सकता है बराबर है, वो वक्ता हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। तो उसके सामने एक कोई फील्ड नहीं होगी, अभी की शिक्षा में मर्यादा क्या है कि कोई एक उसको सिखाते हैं तो उसके पास बहुत लिमिटेड स्कोप होते हैं कि भाई मैं यही कर सकता हूँ, फिर वो नहीं उर्द नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम यहाँ उसकी इंटरग्रेटेड पर्सनालिटी बनाते हैं, संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने का प्रयत्न करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा स्कोप उसके लिए खुले हो बराबर, और वो किसी के अधीन न रहे बराबर है। तो वो स्वावलंबी हो तब वो जाकर कुछ समाज के लिए अपने लिए अच्छा कर पाएगा। तो आज की शिक्षा की जो समस्या है वो आत्मविश्वास निर्माण नहीं कर पाई है, इसके लिए आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं बराबर है, जीवन में सेट नहीं हो पाते हैं बराबर है, फर्स्ट एड हो जाते हैं इतनी पढ़ाई करने के बाद, लाखों रुपया खर्च होने के करने के बाद भी। तो ये हम यहाँ पर करते हैं, उसको स्वावलंबी बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, उसको आत्मविश्वास पूर्ण बनाते हैं कि जीवन के किसी क्षेत्र में वो जाए तब उसका आत्मविश्वास इतना छलकता हो कि वो व्यक्ति मतलब ऐसा समझो कि आप वो एक तूफान जैसा हो बराबर है। और वो यदि हो गया तब तो जीवन में सब कुछ आसान है, व्यक्ति सब कुछ कर सकता है यदि हौसला है तो। तो इसकी एक सिस्टम है पढ़ाने की कि वो गुरु कैसे उसको 7 साल 10 साल तक रखकर, मतलब अभी 7 साल का है तो 7 साल रखकर उसको कैसे घड़तर करेगा उसका, और वो कैसे सक्षम बनाएगा वो व्यक्ति को। तो ये व्यक्तित्व निर्माण का जो ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो गुरुकुल शिक्षा का आप कहिए हार दे वो उसका मतलब आप कहिए उसका सार है बराबर। तो ये यहाँ पर 7 साल बच्चे आ गए, उसके बाद वो बच्चे ने पूर्ण की शिक्षा, वो यहाँ से जाए
तो हम चाहते हैं और ऐसा प्रायोगिक भी है कि वो फिर बेकार नहीं रहता है, वो फिर किसी के अधीन नहीं होता है, वो भ्रष्टाचारी नहीं होता है, अप्रामाणिक नहीं होता है और अपने आप में वो स्वयं स्वावलंबी होकर औरों को वो व्यक्ति कुछ मार्गदर्शन कर पाए और औरों को अच्छे काम में लगा सके, ऐसा सक्षम बनाते हैं।